गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसका आप संदर्भ लिखिएगा ऐसे कि प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। यह पद विनय पत्रिका शीर्षक से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संग्रहित है। कहां से लिया गया? विनय पत्रिका इनकी रचना है और उसी में से ये चार पद लिए गए हैं और शीर्षक क्या दिया है? विनय पत्रिका ही, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये है। कब हुक हौर यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे। इस पद में बच्चों आप प्रसंग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भावी जीवन के विषय में, यानि भविष्य में के लिए ये अभिलाषा प्रकट की है और पूछा है कि उन्हें संतों जैसा स्वभाव कब प्राप्त होगा। कब हुक हो यही रहनी रहोगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी, कब हुक यानि कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, क्या मैं रघुनाथ कृपाल, कृपाल यानि दयालु, दयालु रघुनाथ जी की कृपाते कृपा से संत स्वभाव, संतों जैसा स्वभाव यानि स्वभाव गहोगे मतलब प्राप्त कर सकूंगा, प्राप्त करूंगा। फिर से एक बार देख लें, यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, क्या मैं दयालु रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव, संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगे। आगे कह रहे हैं जथा लाभ संतोष सदा, मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त होगा, ठीक है, जथा लाभ मतलब जो कुछ भी मुझे अपने परिश्रम से प्राप्त होगा, संतोष सदा मैं उसी में संतोष मानूंगा, मतलब मैं ये नहीं करूंगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए, इस बात की मैं अभिलाषा बिल्कुल नहीं करूंगा, बल्कि उसी में मैं क्या करूंगा, जो मैं परिश्रम करने से मुझे जो कुछ भी प्राप्त होगा मैं उसी में सदा सदैव संतोष मानूंगा। काहू से कछु न चाहोगे, आगे कह रहे हैं और किसी से कि कभी किसी वस्तु की चाह नहीं करूंगा, कामना नहीं करूंगा, अभिलाषा नहीं करूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबाहो निब होगे होगो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं मन क्रम कर्म, ये क्या है, कर्म है, मन कर्म और वचन से निरंतर यानि लगातार, परहित निरत यानि दूसरों के कल्याण में संलग्न रहूंगा, निरत यानि उसमें लगा रहूंगा, संलग्न रहूंगा। नेम निब होगे और मैं क्या करूंगा, इस नेम यानि नियम का निभोगे मतलब सदैव पालन करता रहूंगा, मतलब इस नियम को मैं छोड़ूंगा नहीं बल्कि सदैव इस नियम का मैं पालन
करता रहूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोगे। आगे वो कह रहे हैं कि मैं श्रवण सुनी, श्रवण याने मैं अपने कानों से अति दुसह यानी अत्यंत जो असह है वचन है, और परुष मतलब कठोर, अत्यंत कठोर और असह जो वचन है उसको सुन करके भी मैं क्रोध की अग्नि में पावक न दहोगे। पावक मतलब होता आग, यानी क्रोध की आग में कभी नहीं जलूंगा। बहुत लोगों का स्वभाव होता है ना कि यदि कठोर वचन सुन लिए या असहनीय जो वचन यदि सुन लिए तो क्या होता है, क्रोध के कारण वो उसकी आग में जलते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं उस आग में, उस अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन परगुन नहीं दोष कहोगे। आगे कह रहे हैं विगत मान, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूं सदैव, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपमानित होने पर भी, मतलब कि मान के सम्मान के ना रहने पर भी मैं क्या करूंगा। हाँ, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूंगा, यानी मान अपमान की भावना से दूर होकर, मान अपमान की भावना से दूर होकर सम शीतल मन। क्या कह रहे हैं, सम शीतल मन मतलब शांत मन से शांत रहूंगा। लिखा है पर गुण नहीं दोष कहोगे। हाँ, दूसरों के दोषों को मतलब कि कभी किसी के दोषों का मैं उल्लेख या वर्णन नहीं करूंगा। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूं वो मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख, अपने मन को क्या करूंगा, सुख दुख से के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। मतलब कि वो उनका मन कैसा रहेगा, शीतल रहेगा, शांत रहेगा। और कह रहे मैं सदैव दूसरों के परगुण यानी दूसरों के गुणों का वर्णन करूंगा और कभी नहीं दोष कहोगे और कभी किसी के दोषों को का उल्लेख नहीं करूंगा। बहुत लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों की कमियों को दूसरों को बताने में, तो ये कह रहे हैं मैं कभी किसी के दोष को का उल्लेख नहीं करूंगा, उसका वर्णन नहीं करूंगा। आगे कह रहे हैं परिहरी देह जनित चिंता। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जबकि मैं क्या करूं, देह जनित यानी शरीर से संबंधित जो चिंताएं हैं, चिंताओं को परिहरी यानी छोड़कर दुख सुख, दुख और सुख को समबुद्धि यानी समान भाव से, समान बुद्धि से सहोगे मतलब सहन करूंगा। आप सब जानते हैं दुख और सुख को समान बुद्धि से कौन लोग समझते हैं, सहन करते हैं, जो महापुरुष है। तो वही कह रहे हैं कि मैं शरीर की चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से कब सहन करूंगा। आगे कह रहे तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोगे। आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं संतों के इसी मार्ग पर, यही पथ रही यानी मैं संतों के इसी पथ पर चलता हुआ अविचल, हाँ, हरि भक्ति यानी हरि अर्थात भगवान की अविचल भक्ति कब लहोगे मतलब प्राप्त
करूंगा। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं संतों की इसी मार्ग पर चलता हुआ हरि यानी भगवान की अविचल भक्ति कब लहोगे, मतलब कब प्राप्त करूंगा। ये तो रही बच्चों इस पद की व्याख्या। अब इसका आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने संतोष पूर्वक संत स्वभाव धारण करने, साधु सन्यासियों जैसा स्वभाव धारण करने तथा भगवान के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की है। और इसमें आप भाषा लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। रस जो है शांत रस है और छंद जो है ये गे पद है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भक्ति सुर सरिता आस करन ओस्कन की। इस पद में बच्चों यहाँ गोस्वामी तुलसीदास अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें देखिए इसकी व्याख्या क्या लिखेंगे कि ऐसी मूर्ता या मन की, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन कुछ ऐसी मूर्खता यानी मूर्खता मतलब मूर्खता कर रहा है कि यह परिहरी मतलब छोड़कर राम भक्ति सुर सरिता, श्री राम की भक्ति रूपी सुर सरिता, सुर सरिता यानी गंगा को कहते हैं, यह गंगा का पर्याय है। तो यह राम श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को परिहरी मतलब छोड़कर आस करत ओस्कन की, किसकी आस कर रहा है, ओस की कन, ओस कन यानी ओस की बूंदों की चाह कर रहा है। मतलब कि वो जो है विषय रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रिषित जानी मति घन की। आगे कह रहे हैं धूम समूह बोलते हैं धुएं के गुब्बारे को, गुब्बार को, जो धुएं का गुब्बार होता है, धुआं जब उड़ता है ना तो एक गुब्बार के रूप में रहता है, तो वही धूम समूह निरखी चातक, जो चातक यानी जो पपीहा है, जो पक्षी है चातक पक्षी, इसका यह व्यवहार जो है ऐसा ही है जैसे क्या है, चातक यानी जो पपीहा है वो धुएं के गुब्बार को देखकर घन की, त्रिषित जानी मति घन की, घन मतलब होता मेघ जानी, मेघ समझ लेता है किसको, त्रिषित मतलब प्यासा जो पपीहा है, जो चातक पक्षी है, वो धुएं के समूह को देखकर वो क्या है, उसको मेघ यानी घन यानी मेघ समझ लेता है, वो उसको बादल वो समझ लेता है धुएं के गुब्बार को, जानी मतलब जान लेता है, ठीक है। नहीं तह शीतलता ना बारी पुनी हानि होती लोचन की। आगे कह रहे हैं कि उससे उसको ना तो शीतलता मिलती है, उस जो धुएं का गुब्बार को जो बादल समझ लेता है उससे उसको ना तो शीतलता मिलती है और ना बारी यानी जल। यहाँ पे ही बता रहे हैं कि उससे उसको ना तो पानी मिलता है और ना ही उसकी प्यासी तृप्त हो पाती है। पुनी हानि होती लोचन, लोचन मतलब नेत्र, उस धुएं के गुब्बार से उसको क्या होता है, इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से उसके आंखों को व्यर्थ ही क्या होती है, हानि होती है यानी नुकसान होता है। मतलब धुएं से उसकी आंखें क्या होती हैं, जलती हैं। ज्यों
गच कांच बिलो की ही सेन जड़ छाह आपने तन की। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सेन, सेन मतलब होता है बाज पक्षी, बाज पक्षी को सेन बोलते हैं। सेन जो है गज कांच, यानि कांच भूमि पर पड़े कांच को विलोखी मतलब देखकर, भूमि पर पड़े कांच यानी शीशे, ठीक है, को देख करके विलोखी, देख विलोखी ही मतलब देख करके क्या करता है, जड़ छांह आपने तन की, वो अपने छांह यानी अपनी परछाई को देखकर उस प्रतिबिंब को अपना क्या है, प्रतिद्वंद्वी समझता है। वो अपना क्या समझता है, अपना प्रतिद्वंद्वी, कि ये भी मेरे ही जैसा है। और क्या करता, आपने तन की, वो अपने शरीर की, शरीर को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ये उस कांच में अपने को चोंच से उसको क्या करता है, मुख आनन, आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है। लिखा है टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की, आनन मतलब मुख की। तो ये उसको अपना प्रतिद्वंदी समझता और भूख से व्याकुल होने के कारण, लिखा है ना आतुर मतलब व्याकुल है, आहार, आहार यानी भोजन, ठीक है। तो अति आतुर अत्यधिक वो व्याकुल होता है भूख से, भूख से व्याकुल होने के कारण टूटत, उस पर वह टूट पड़ता है, किस पर, कांच पर वो टूट पड़ता है। और बस क्षति बिसारी आनंद की, और अपने मुख की ही वो उस पर टक्कर मारने पर उसके मुख को ही क्या होती है, हानि हो होती है। यहां पे ये बता रहे हैं कि जिस मूर्ख बाज भूमि पर, जिस प्रकार जो है मूर्ख बाज जो है भूमि पर पड़े हुए कांच में अपने ही परछाई को देख करके उसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है, और ऐसा करते हुए उसको ध्यान नहीं रहता है कि वहां टक्कर मारने से उसका क्या होगा, उसके मुख यानी चोंच की ही हानि हो जाएगी। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। कृपा निधि, हाँ, हे कृपा के सागर प्रभु, मैं गति मन की, मैं अपने मन के कुचाल, मैं अपने मन के कुचाल यानी दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का कहां तक वर्णन करूं। लिखा है कह लो कहो मतलब कहां तक वर्णन करूं। जानत हो गति मन की, आप तो क्या है मेरे मन की बात को अच्छी प्रकार से जानत यानी जानते हैं। तुलसीदास प्रभु, तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि प्रभु यानी श्री राम से दुस्हरहु, हरहु मतलब वो दुसह दुख यानी जो भयंकर दुख है उसको वो चाह रहे हैं कि उससे उनका क्या है, वो उद्धार चाह रहे हैं, अपना उद्धार चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अंत में तुलसीदास जी श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, शरण में आए हुए शरणागत का उद्धार करने की अपनी क्या है, निज पन की यानी अपनी पन, पन यानी प्रतिज्ञा पर विचार करके क्या करो, करहु लाज, आप इस भयंकर दुख से हमें मेरा उद्धार कीजिए। यहाँ पे ये भगवान श्री राम से अपने उद्धार की कामना करते हैं, उसका वर्णन है। अब बच्चों इसका काव्य सौंदर्य लिखेगा कि इस पद में
गोस्वामी जी ने जीव के अज्ञानपूर्ण व्यवहार का वर्णन करके यह बताने का प्रयत्न किया है कि हम लोग स्वसिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रायः हानि ही उठानी पड़ती है। भाषा ब्रज भाषा है और अलंकार बच्चों इसमें कई अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक है, उदाहरण है, भ्रांतिमान है, अनुप्रास है और रूपकाती शियोक्ति अलंकार है। शांत रस है बच्चों और छंद जो है ये पद है। तो इसको बच्चों ध्यान से दो बार कम से कम वीडियो को सुनिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसको रफ कॉपी में लिखिएगा, फेयर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में इसका अर्थ आप लिख लीजिएगा ताकि आपके पास एग्जाम के समय पढ़ने के लिए रहे। थैंक यू।